Hello students, let's see this question. The question says match the column first with column second. Column first में लिखा हुआ है कुछ ABCD and column second में PQR है. So accordingly आपको correct option यहाँ से choose करना है. So column first कहता है that 1 AMU. अब 1 AMU का मतलब क्या होता है? तो यहाँ से अगर आप column second में देखोगे तो वैसे मैं जानती हूँ कि 1 AMU का मतलब होता है 1.66 × 10⁻²⁷ kg. मतलब एएमयू और केजी के बीच में ये रिलेशनशिप होता है. तो ए का मैच होगा क्यू के साथ में, ठीक है. अब प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन का सिंबल पी होता है. प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो 1 का होता है और मास भी 1 का होता है. सो बेसिकली ये क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. दिस इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. वो एटम जो कि डाल्टन ने कहा था कि एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल, वो वहां पर फेल हो गया था आगे जाके जब ये पता लगा कि एटम भी डिस्ट्रक्ट हो सकता है, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है. न्यूट्रॉन का सिंबल होता है एन, इस पर चार्ज होता है 0, मास होता है 1. सो बेसिकली ये क्या होता है? न्यूट्रल स्पीशी होती है. ये भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है. और जो न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है. इस वजह से एटम के अंदर जो अगर 3 पार्टिकल्स मैं बोलती हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उसमें न्यूट्रॉन हैवीएस्ट होता है, ठीक है. एल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल बेसिकली आपका हीलियम का न्यूक्लियस होता है और हीलियम होता है 2H4. सो डी का आर से मैच होगा. सो अकॉर्डिंगली आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.